बाहर आने के बाद जो है छपरी लाल तो लगोगे ही। आज पहला दिन है, आज पहला दिन ही है। बैठे बैठे भाई बाइक पे हालत खराब हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं मुन्ना कुमार गुड्डू, और जैसे कि कल जो है मैं एक पोस्ट डाला था जिसमें मैं बोला था कि कल जो है नेक्स्ट डे किस कंपनी में काम करना चाहिए। तो ये जो है कल मैं पोस्ट किया था जिसमें लिखा था नेक्स्ट डे डिलीवरी किस कंपनी में अच्छा इनकम होगा। तो सबसे ज़्यादा लोग जो है पोर्टर को जो है वोट किए हैं, जिसमें 79 लोग जो है वोट किए हैं। तो आज मैं पूरे डे जो है पोर्टर में काम करूँगा, कोई भी अनदर कंपनी ओपन नहीं करूँगा। तो ये मेरा सेकेंड टाइम होगा जिसमें मैं पोर्टर में जो है कंटिन्यू काम करूँगा। गाड़ी का जो किलोमीटर है वो चल गया है 5168 चला गया है, और टाइम जो हो गया है 10:15 हो गया है। और फिर मैं इस आईडी को जो है चालू करता हूँ। तो आज देखते हैं कि कितना राइड जो है कंप्लीट हम कर पाते हैं, जिसमें कितना इनकम होता है। तो हमारे पास जो है ऑर्डर आ गया है, और मैं कस्टमर के जो है लोकेशन पे आ गया हूँ, शायद यही लोकेशन होगा। हाँ जी सर, एक सेकंड, ये कौन सा स्कूल है? संत निरंकारी स्कूल जो है ना, हाँ बनी हुई है। अच्छा अच्छा, फिर लोकेशन गलत था आपका, लोकेशन आगे का है, नारायणा। ठीक 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 है सर, ठीक। तो ये ऑर्डर जो है हमारा हो गया पिकअप, अब मैं लेके जा रहा हूँ, दूर जाना है, काफ़ी दूर जाना है यहाँ से। तो जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये भी काम करने के लिए बहुत अच्छा है। भैया कितना इनकम हो जाता होगा? आज पहला दिन है। आज पहला दिन ही है। अच्छा, ज्वाइनिंग में कितना लगा? ये 17 क्या इसका बाइक का? नहीं नहीं, जोमेटो में। जोमेटो में कुछ 1200 रुपए भी 1500 लेता है, 250 रुपए में जमा। और ये कितने का लिए आप? ये 1750 रुपए दिया। अच्छा, मैंने सिक्योरिटी पेमेंट जो है 1750 रुपया। और फिर डेली का रेंट? डेली का रेंट 75 रुपया। अच्छा, कितना भी घंटा चला सकते हैं? और ये वहीं पे लगाना है? इसको घर पे नहीं ला सकते? घर पे ले जा सकते। रात में अगर रखना हो तो? हाँ, तो आज पहला दिन है। अरे ठीक है भाई, है ये ऑर्डर सही सलामत डिलीवर हो गया है, इनकम भी सही हो गया है। तो इनकम जो है एक ही बार लास्ट में आपको बताऊंगा कितना हमारा कुल मिलाकर के इनकम हो पाया है। और दूसरा ऑर्डर का जो है वेट कर लेते हैं, लेकिन जो मैं ऑर्डर डिलीवर किया अभी तक मैंने पेमेंट नहीं आया, पेटीएम बंदा किया है पता नहीं, किया अभी नहीं किया, मैसेज तो नहीं आया, वेट कर लेते हैं। तो आज का लगता है जो हमारा इनकम है सही सलामत हो जाएगा, अच्छा इनकम हो जाएगा, क्योंकि हमारे ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद जो है हमारे डिस्प्ले पे 2 ऑर्डर बजा, जो 120 या 176 का ऐसे ही था 2 ऑर्डर। तो हमारे जो हम उसे जो है उठा नहीं पाए। तीसरा ऑर्डर जो आया है वो 276 रुपये का है, तो हमारा भी 230 रुपया 20 रुपया बन जाएगा। तो चलिए इसको लेकर के चलते हैं, अभी कस्टमर के लोकेशन पर गए नहीं है, अभी जा रहे हैं पिकअप करेंगे, उसके बाद उसे डिलीवर करेंगे। दूसरा वाला ऑर्डर है, इसमें बंदा जो है लोकेशन ही गलत डाला है, काफ़ी दूर, कम से कम 0.5 किलोमीटर दूर होगा। अब बंदा हो रहा है यार यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये एच ब्लॉक इतना लंबे चौड़े में। तो इसमें जो है ऑर्डर को उठाने में जो है हल्का सा टाइम लग गया। के 46 मिनट हो गया है, और हमारा जो है 2 ऑर्डर लग चुका है। बारिश जो है हल्की हल्की हुई है, पर मैं भीगा नहीं हूँ। पेमेंट को लेकर के कस्टमर जो है काफ़ी स्लो है, सुबह से मैं देख रहा हूँ, जो फर्स्ट ऑर्डर गया उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया पेमेंट का,
और जो दूसरा ऑर्डर गया इसमें भी कम से कम 10 मिनट लग गया पेमेंट का देने का। तीसरा ऑर्डर आया है लेकिन ये आ गया है छतरपुर से जो है नोएडा जाना है, और बीच में जो है यमुना नदी पड़ रही है, और यमुना नदी के कारण जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है क्योंकि पानी का जो स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब भाई देखते हैं ये ऑर्डर को कर पाते हैं हम नहीं कर पाते हैं। तो हम सब का जो है ये ग्रुप है तो उसमें मैसेज किया हूँ तो बता तो रहे हैं कि क्रॉस कर सकते हैं, पर कुछ रास्ते बंद है यमुना नदी का और कुछ चालू है, तो देखते हैं चलते हैं। तो ये देख लो यमुना नदी का पानी, आज मैं पहली बार जो है दिल्ली में जब से आया हूँ मैं पहली बार इतना पानी यमुना में देखा हूँ, पहली बार। हमारे स्विगी वाले भैया भी फोटो खींच रहे हैं क्या? बहाव जो है बहुत ज़्यादा है, पूरा गंदा पानी है। 34 हाँ भैया 35 नंबर है, नीचे आ जाऊँ। तीसरा वाला जो ऑर्डर है सही सलामत डिलीवर हो गया है, लेकिन काफ़ी दूर का था, 30 किलोमीटर लेके आना था। बैठे बैठे भाई बाइक पे हालत ख़राब हो जाता है, और यमुना नदी में जो है पानी आ रखा था, हमें लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही होगा, शायद मैं बाइक लेके जाऊँ तो पता नहीं पानी वानी जो है घुस ना जाए बाइक में, तो ऐसा कुछ नहीं था। जिसे जहाँ से हम क्रॉस किए वहाँ पे इजली गाड़ी जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। आज आप देख रहे हैं मैं पट्टी लगा रखा हूँ, ये क्या है ना, आपको पता है कि घर से भाई जितना भी स्मार्ट बन के आओ बाहर आने के बाद जो है छपरी लाल तो लगोगे ही, तो बाल जो है ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ये लगा लिया था ताकि वीडियो में सही दिखे। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आप सबको। काफ़ी देरी से जो है मैं एक ऑर्डर का वेट कर रहा था कि भाई एक ऑर्डर आ जाए, एक ऑर्डर आ जाए, उसके बाद जो है घर की ओर निकल जाएंगे, पर 15 मिनट में वेट किया कोई भी ऑर्डर नहीं आया, तब फिर मैं सोचा चलो भाई अब हम घर की ओर निकलते हैं। और जाने से पहले जो है मैं आपको जैसे बोला था कि आज जो है सिर्फ मैं पोर्टर में काम करूंगा, तो पोर्टर में ही काम किया हूं, और हमारा जो है कितना इनकम हो गया है, कितना ऑर्डर लग गया है, कितना गाड़ी किलोमीटर चल गया है, सारी चीज़ जो है आपको मैं दिखाता हूं। गाड़ी जो है चल गई है 5265 और सुबह आपको दिखाया था 5168, तो कुल मिला के जो है हमारा 97 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अभी हम लोकेशन पर ही हैं, अभी हम घर नहीं गए हैं, तो लोकेशन तक का जो है आपको 97 किलोमीटर में दिखा रहा हूँ। टाइम देखिए बच गया है 6, लेकिन आप जो है आधा घंटा हटा दीजिए क्योंकि आधा घंटा जो है इधर आने में, और मैं 15 मिनट जो है ऑर्डर का वेट करने के लिए खड़ा था, तो 5:30 आप ले सकते हैं। तो आईडी जो है मैं 10 बजे ओपन किया था, 10:12 में, तो कुल मिला के 7.5 घंटा जो है हम काम किए पोर्टर में। अब आती है बात अर्निंग की, देखिए मेरा जो है 5 ट्रिप लगा है जिसमें मैंने 900 मान ही लीजिए, 11 रुपया कम है, 5 ट्रिप लगा है, और टाइम जो है लॉगिन आवर आप यहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है हमारा 900 का काम हुआ है। तो जैसे कि आप सब वोट किए थे कि भाई पोर्टर में जो है अच्छा इनकम होगा, तो सही बात है, पोर्टर में जो है अच्छा इनकम हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सबको जो है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।